अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुकाबला इस विधानसभा से
झूम न कर, सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। और मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा से दोबारा बीजेपी का एमएलए कामयाब हो, तो ये बेहद जरूरी आप तमाम के लिए कि आप अपना एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अशोक कुमार साहब के अपने इस्तेमाल करें। अगर आप इस विधानसभा से नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं तो अशोक कुमार सिंह को आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप रघुवर को दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते तो आपको अशोक कुमार सिंह के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार ने झारखंड का कोई विकास नहीं किया। बड़ी उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने बीजेपी को अपने वोट देकर उनको कामयाब किया, मगर 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो झारखंड रियासत में, झारखंड प्रदेश में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि झारखंड का नाम इन्होंने बदनाम किया। कोणार्क डैम बनता है 2200 करोड़ का खर्चा करने के बाद, और मुख्यमंत्री के इफ्तिताह के चंद घंटों के बाद मालूम हुआ कि खुद मुख्यमंत्री के लोग और पार्टी कहती है कि कोणार्क डैम बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि चूहों ने 2200 करोड़ रुपये खा लिए। आप अंदाजा लगाइए कि जनता के 2200 करोड़ थे वो रघुवर के, नरेंद्र मोदी के जेब के पैसे नहीं थे, वो झारखंड की जनता के पैसे थे, झारखंड के गरीब आवाम के पैसे थे जो बीजेपी के चूहों ने उसको खा लिया। 2200 करोड़ रुपये गायब हो गए। और फिर आप देखते हैं कि कंबल का स्कैम होता है, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि झारखंड में जो रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट कहती है कि कंबल की चोरी हुई और रांची से लेकर पानीपत तक एक दिन में 1,4,000 किलोमीटर का सफर कैसे तय करें। इस तरह से धोखा कोई सहूलत नहीं, पानी नहीं मिलता। यहां दलितों की बस्तियों में स्कूल को बंद कर दिया गया, यहां पर बच्चों के लिए स्कूल का मौसर इंतजाम नहीं है, यहां पर हमारे बच्चे और बच्चों की आला तालीम के लिए ग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। और फिर बर्फ की भी कितने घंटे आती है, कभी आती है कभी चले जाती है। बर्फी का भी हाल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी जरा कभी दिखते हैं इलेक्शन में, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर कोल ईसीएल की कंपनी है और यहाँ पर मुकामी नौजवानों को उसमें रोजगार का मौका नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 साल से मदरसा बोर्ड को पैसे नहीं दिए जाते हैं, शराब की दुकानें आम कर दी गई, और ये बीजेपी के राज में होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट सही और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करिए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को रोक सकती है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैंने हर मुकाम पर, हिंदुस्तान की हर मुकाम पर, हर शहर में जाकर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं, एक रुख कांग्रेस है, दूसरा रुख बीजेपी। क्या ये बात सच नहीं है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके ससुर किसी जमाने में जनसंघ पार्टी में भी थे, जेडीयू में थे, कांग्रेस में थे। क्या ये बात सच नहीं है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं
उनकी सास बीजेपी की खवातीन की महिला की तंजीम के जिम्मेदार होने पर फायरिंग है, यानी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं मगर ससुरे मुख्तलिफ पार्टियों में फिर फिरा कर फिरते हैं, और सास जो है वो बीजेपी की महिला विंग में उनको एक ओहदा मिलता है। आप बताइए, ये इनके तमाम चीजें आपके सामने हैं, इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो फिर बीजेपी यहां से कामयाब हो जाएगी। अगर आपको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है, तो यहां से मेरी आपसे अपील है कि मोहतरम जनाब अशोक कुमार सिंह साहब को अपना वोट देकर कामयाब करिए। पूछिए इन कांग्रेस के लोगों से कि जब महाराष्ट्र की विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, उस विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग अपने सभाओं से एक ही बात कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट मत दो, हमको बीजेपी और शिवसेना को हराना है, शिकस्त देना है। मगर जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया तो बीजेपी को रोकने के नाम पर, शिवसेना को रोकने के नाम पर जो वोट किया गया था, वही कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बना देती है। ये कौन शिवसेना है आप जाकर देख लीजिए कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई की सड़कों पर अगर इंसानियत की खून की होली खेली गई तो उसमें शिवसेना के लोग जिम्मेदार थे। 93 जनवरी में ये तमाम ऐसे ऐसे वाकयात मुंबई की सड़कों पर हुए कि मासूम लोगों ने अपनी माओं को, अपनी बेटियों की अस्मत रेजी को देखा, कत्लेआम हुआ जिसका जिक्र जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वो कांग्रेस पार्टी आकर मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन पर उंगली उठाती है। मैं जानना चाहता हूं महगामा के वो लोग जो बरसों से कांग्रेस का साथ दिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जमीर जिंदा है या आपका जमीर मुर्दा हो चुका है? आपने जिस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया था, आज वो कांग्रेस पार्टी शिवसेना का साथ देती है। बताओ सेक्युलरिज्म की बात करने वालों, कैसे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी शिवसेना का साथ देती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी, ट्रिपल तलाक का जब कानून का बिल लाया गया, आपने देखा और दुनिया ने देखा कि ट्रिपल तलाक के बिल के खिलाफ अगर किसी ने पुरजोर उसकी मुखालिफत की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मनी शेखर। कांग्रेसियों से कि जब ट्रिपल तलाक का बिल नरेंद्र मोदी की हुकूमत लाई थी तो पहली मर्तबा कांग्रेस ने बीजेपी की खुलकर तारीफ की थी। पहली मर्तबा जब बिल लाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, दूसरी मर्तबा भी यही किया, तीसरी मर्तबा डर गए कि अगर अब की बार भी तारीफ करेंगे तो लोग हमेशा के लिए हमको ट्रिपल तलाक दे देंगे। पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के कानून को और उसमें सख्ती की गई, उस दहशतगर्दी के कानून को किसने मुखालिफत की? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून में तरमीम की गई थी, किसने उसकी मुखालिफत की? आपका दीवाना असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। हिंदुस्तान जानता है कि पूरा मुल्क जानता है, पूरा मुल्क जानता है कि दहशतगर्दी के नाम पर अगर किसी को जेलों में डाला गया तो उसमें सबसे पहले मुसलमान, दूसरे दलित और आदिवासी लोगों को जेल में डाल दिया गया। बरसों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, 8-8 साल 9-9 साल जेल में सड़ने के बाद उनको कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। मैंने उठकर कई मिसालें दी पार्लियामेंट में कि देखो ये कानून जो तुम बनाने जा रहे हो गलत है। मैंने मिसाल दी कि राजस्थान की जेल में मुसलमान बच्चा जब अपने गांव को जाता है तो उसको मालूम होता है कि उसकी मां मर चुकी है, कब्रस्तान जाकर अपनी मां की खबर के ऊपर लेट कर कहता है कि अम्मा तेरा बेटा 12 साल के बाद घर को आया और तू मेरा इस्तकबाल कर। कानून की
वोट डालने की बात करते हैं। दहशत गर्दी का कानून और गंदा कर दिया गया, काला बना दिया गया, और ये कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का साथ देती है और इल्जाम और उंगलियां मुझ पर उठाई जाती है। आप फैसला आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। दहशत गर्दी के कानून को गंदा कर दिया गया, सख्ती लाई गई, और मेरी इस बात को नोट कर लो, जब ये कानून का इस्तेमाल होगा तो किस पर होगा? गरीबों पर होगा, मजलूमों पर होगा। किसी ताकतवर के ऊपर यह कानून इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह कानून अकलियतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और इस कानून का साथ देने में कांग्रेस के नरेंद्र मोदी का साथ दिया। इनकी तारीख है इस कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने हमेशा धोखा दिया। इतने बरस मुल्क पर हुकूमत करने का मौका इनको अल्लाह ने दिया, आखिर कभी तुमने सोचा कि ये कसमपुरसी क्यों है, ये कमजोरी क्यों है, ये परेशानी क्यों है? कभी आपने अपने आप से सवाल किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है कि आज अगर मुल्क में अकलियतें, खास तौर से मुसलमान और दलित परेशान है, इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई, कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस की। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, कौन था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, कौन था? नरसिम्हा राव था। जब मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ, कौन था? आसाम में दिल्ली का मैसेकर हुआ, 5,000 लोग मारे गए, कौन की हुकूमत? कांग्रेस की हुकूमत थी। हाशिमपुरा का फसाद हुआ, 35 मुसलमानों को ले जाकर नदी के किनारे पुलिस ने गोलियां मार दी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। हाशिमपुरे का फसाद हुआ, मीरठ का फसाद हुआ, हैदराबाद का फसाद हुआ, अरे इनकी लंबी दास्तान है। मगर ये लोग किस मुंह से मजलिस को वोट मत दो और हमको वोट दो? अरे तुम्हारा दामन दागदार भी है और काला भी है, तुम्हारा चेहरा भी काला, तुम्हारा दिल भी काला। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम नहीं बन पाते। अगर कांग्रेस में ताकत होगी तो नरेंद्र मोदी को रोक सकती थी। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उन तमाम कांग्रेसियों से एक बात कहना चाहूंगा, आप तो बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा आदमी हूं, और इस छोटे आदमी की बात में यकीन अगर करना है तो कर लो। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हैदराबाद से मैं उम्मीदवार, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हमारे उम्मीदवार, और पड़ोसी रियासत बिहार से मोहतरम बरादरम अख्तरुल ईमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैठ जाइए। इलेक्शन हुआ, हैदराबाद की अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को हराया वहां पर, और मुझे कामयाब किया, मजलिस को कामयाब किया, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए, बीजेपी शिवसेना का रंग, इम्तियाज जलील ने 30 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की। किशनगंज की मिसाल ले लीजिए, अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख वोट किए, जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी के साथ आज के लाइन से वो 3,25,000 वोट हासिल किए, और कांग्रेस के उम्मीदवार ने 3.5 लाख वोट हासिल किए। बताइए, अगर अख्तरुल ईमान नहीं होते, अगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती, तो फिर उस किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से भी जेडीयू और बीजेपी कामयाब होता। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़ा, हमारी पार्टी सिर्फ 3 पार्लियामानी सीट पर इंतखाबात में चुनाव में हिस्सा लिया। बताओ वो 535 पार्लियामानी सीट पर क्यों तुमने बीजेपी को नहीं हरा पाए? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हरियाणा में नहीं लड़ता, बीजेपी सरकार बना लेती है, हर जगह पर कांग्रेस हार रही है। महाराष्ट्र में 15 साल हुकूमत
मुख्यमंत्री था, आज चौथे नंबर पर कांग्रेस आ चुकी है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं है, वो दमखम नहीं है बीजेपी और मोदी को हरा सकें।